नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गुलरिया थाने की पुलिस ने एटीएम बदलकर पैसा निकालने के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अमन शर्मा पुत्र भोला शर्मा निवासी ग्राम मुंडेरी गढ़वा पोस्ट पिपराई थाना पिपराई जनपद गोरखपुर, दूसरा इरफान पुत्र मुन्ना खान निवासी 26 चतुर्धनपुरी लक्ष्मणपुरी करबी जनपद चित्रकूट, तीसरा सुरजीत पुत्र रामविरिच निवासी ग्राम बदौली बाबू पोस्ट भटौली बाजार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 3 मोबाइल 20 एटीएम कार्ड 3000 रुपए नगद व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि 16 अगस्त को वादी मुकदमा द्वारा भटहट स्थित एटीएम से पैसा निकालते समय अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा धोखे से वादी का एटीएम कार्ड बदल दिया गया और बास स्थान रोड पर एटीएम मशीन से 10,000 रुपए निकाल लिया गया, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 26 अगस्त को वादी मुकदमा थाना एम्स के कूड़ाघाट चौराहे पर स्थित HDFC के एटीएम से पैसा निकाल रहे थे, जहां उनका एटीएम कार्ड फंस गया। वादी मुकदमा द्वारा एटीएम के अंदर लिखे कार्ड नंबर पर फोन लगाया गया तो गार्ड द्वारा बताया गया कि शाम को टेक्नीशियन के आने पर कार्ड मशीन से निकल जाएगा। वादी मुकदमा अपना कार्ड मशीन में छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद उनके खाते से 30,000 रुपए निकाल लिए गए, जिसके संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना एम्स पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद गोरखपुर सहित विभिन्न जनपदों में एटीएम बदलकर पैसा निकालने और फ्रॉड के मामले में कई अभियोग पंजीकृत हैं, तथा जनपद कुशीनगर में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण कुछ दिन पूर्व ही जेल से छूटे हैं। जेल से छूटने के बाद पुनः इनके द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी का अपराध कारित करना शुरू कर दिया गया है। अभियुक्तगण संगठित होकर एटीएम पर पहुंचकर कम जानकार लोगों से, जिनको पैसा निकालने में परेशानी होती है, उनको शिकार बनाते हैं। अभियुक्त के पास से 20 एटीएम कार्ड भिन्न भिन्न बैंकों के बरामद हुए हैं। अभियुक्त इरफान उपरोक्त के होटल में रुककर एवं अमन शर्मा के घर पर रहकर एक साथ मिलकर घटना कारित करते रहते हैं। उनके गैंग के अन्य सदस्यों के संबंध में जानकारी हेतु टीम का गठन किया गया है। अमन शर्मा के मोटरसाइकिल का प्रयोग घटना में किया जाता है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलरिया थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक विवेक मिश्रा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने कहा, देखिए जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया की टीम द्वारा 3 अपराधियों के ऐसे गैंग का अनावरण किया गया है, जिनके द्वारा विशेष रूप से बैंक के जो एटीएम हैं और एटीएम विड्रॉल जो मशीन रहती है वहां पर पब्लिक के द्वारा धोखाधड़ी की जाती है। उसी समय पर उनका बैंक का एटीएम बदल करके उनका पिन वहीं से नोट करके आगे चल के उनके पैसे किसी और एटीएम से विड्रॉ कर लिए जाते हैं। इसी तरह की सूचना पर एक मुकदमा थाना गुलरिया पर पंजीकृत हुआ था। इनको ट्रेस करने के लिए जिनके द्वारा घटनाएं की जा रही थी, सादे वस्त्रों में भी टीम को लगाया गया था, अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण किया जा रहा था इसका। उसी में ये 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से अमन शर्मा, इरफान व सुरजीत। जब इनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया है तो ये जानकारी हुई है कि सुरजीत के ऊपर 12 मुकदमे हैं, इरफान के ऊपर 10 मुकदमे हैं और अमन शर्मा के ऊपर 5 मुकदमे हैं। ये इसी तरह के काम में पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं, इसमें इनको महारत हासिल हुई है और धीरे धीरे इनका जो गैंग है वो जेल में ही आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर बना है। इसमें जो सुरजीत है वो बेसिकली स्पॉटर है, जो ये देखता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनके झांसे में आ सकता है। और फिर जो दूसरा इरफान है वो एटीएम जो मशीन है वहाँ पर जो कमरा है उसमें एंटर करता है, और जब किसी कारण से अगर वो एटीएम यूज़ करने में वादी को या पीड़ित को दिक्कत होती है तो उसके पास हर बैंक का हर तरह का एटीएम कार्ड की एक वो रहता है। जैसे ही कोई दिक्कत आती है तो एक मदद करने के बहाने से उससे बात करते हैं और उसी में उसका एटीएम बदल देते हैं, पिन नोट कर लेते हैं और तुरंत कहीं और जा करके उसमें से विड्रॉल कर लेते हैं। इनके कब्जे से 20 के आसपास एटीएम कार्ड्स मिले हैं, 3 मोबाइल फोन्स मिले हैं, एक मोटरसाइकिल मिला है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और उनके ऊपर हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई और जो अपराध से इनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है वो भी इसमें आगे चल के कुर्क की जाएगी।
मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को यही अनुरोध करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जब भी आप बैंक से विड्रॉल करने जा रहे हैं, यदि किसी कारण से आपके विड्रॉल में कोई समस्या आ रही है तो आप सीधे बैंक से संपर्क करें, या अगर बैंक का कोई गार्ड वहाँ पर नियुक्त किया गया है जो जेन्युइन गार्ड है उसी से संपर्क करें। किसी भी अनजान व्यक्ति से अपने एटीएम को चलाने के लिए मदद ना मांगें, क्योंकि इसी मदद मांगने के चक्कर में ये लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और फिर उनका एटीएम चेंज करके और उसमें से पैसे निकाल तो देते हैं। इसका सरगना कौन है, कितने लोग, कितने लोग? देखिए, इसमें अभी 3 लोगों का गैंग जो अरेस्ट हुआ है, तो इसका सरगना सुरजीत है जो इस पूरे गैंग को संचालन करता है, और वही मेनली जो टारगेट है उसको स्पॉट करता है, और फिर आगे का काम जो है इरफान और अमन के द्वारा किया जाता है। तो रहने वाले कहाँ के हैं और किन लोगों से करेंगे? देखिए, इसमें 2 लोग जनपद गोरखपुर के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति जो इरफान है वो चित्रकूट का रहने वाला है। इनकी मुलाकात जेल में हुई है, उसी माध्यम से इन्होंने जेल के आने के बाद दोबारा से घटनाएं करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसकी।